हेलो, मैं बिंदु तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कौंत हैं। इनको संस्थापक का दर्जा ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया। इसके लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, अंशदान किया, काफी स्ट्रगल किया। तो ये समाजशास्त्र के संस्थापक के नाम से जाने गए या जाने जाते हैं। तो इनको समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। आप अब समाजशास्त्र सब्जेक्ट लाने का आवश्यकता क्यों पड़ी? अब भाई, किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तभी उस पे काम किया जाता है, अदरवाइज काम क्यों करेंगे? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताऊंगी। अब ये फ्रांस के थे, ठीक है? फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो वहां की सामाजिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई जब वहां, और काफी अस्त व्यस्त थी। जब ये ऐसी स्थिति देखे तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि इस स्थिति को सुधारा जा सके। अगर सामाजिक स्थिति खराब है तो वहां की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तीनों, अगर ये तीन चार स्थितियां आपकी अगर नहीं बनी है तो वहां का जीवन जीना असंभव हो जाता है। अब इन्होंने सोचा कि इस स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है? अब ये फ्रांस के थिंकर हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसी तरकीब हो जिसके द्वारा इन सबको समेट कर और इन पर अध्ययन किया जाए और इस स्थिति में सुधार लाया जाए। तो तब तक समाजशास्त्र विषय नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। तब इनके मन में आया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। और तभी इन्होंने फील किया कि ऐसा कुछ हो कि समाज का अध्ययन किया जाए और कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको लाया जाए, और वो भी व्यवस्थित ढंग से। तो इन्होंने कहा कि जैसे भाई समाजशास्त्र की घटनाएं हैं, वो वैलिड कैसे होंगी, कैसे, जैसे, क्योंकि साइंस तो बहुत पहले से ही था, ये तो बाद में आया है समाजशास्त्र। तो इन्होंने कहा जैसे अन्य नेचुरल साइंसेज हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, उसी तरीके से समाजशास्त्र को भी दर्जा मिले, यानी जो सामाजिक घटनाओं पे अध्ययन किया जाए उसको भी साइंस का दर्जा मिले। अब ये इसके लिए भी काफी स्ट्रगल करने लगे, ठीक है? तो इनका मानना था जिस तरह से रसायन, भौतिक और गणित का नियमों के आधार के पद्धति पर अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से समाज की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाए। तब से अगस्त कौंत काफी इस पर प्रयास किए, और भाई जब कोई सच्चे मन से प्रयास करता है तो सफलता भी आपको प्राप्त जरूर होगी। तो इन्होंने कौंत का यही विचार जो था समाजशास्त्र स्थापना का मूल कारण बना। और इन्होंने कहा कि यह समाजशास्त्र पहले नहीं, इसको साइंस का दर्जा प्राप्त हो। तो इन्होंने सबसे पहले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन का नाम सोशल फिजिक्स यानी
सामाजिक भौतिकी दिया, और यह भी जो है विज्ञान के पद्धति के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। अब लेकिन भाई सोसाइटी में सब तरह के लोग होते हैं, अब इनके कुछ अनुयायी यानी फॉलोवर्स थे जो कि मना किए नहीं, और इस पे विचार विमर्श किया गया। फिर अंततः इन्होंने 1838 में समाज शास्त्र को विषय के रूप में एक्सेप्ट किया, और यही समाजशास्त्र के जनक फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे गए, और इनका ही प्रयास था कि जो कि समाजशास्त्र विषय आज हमारे सोसाइटी में है और हम सब लोग इसका अध्ययन एक साइंस के आधार पर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, और मेरे वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इंटरनेट की असुविधा का सामना कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।